सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे देश में योगी और मोदी जी के साथ क्या हो रहा है जरा देखिए। जय श्री राम। योगी जी और मोदी जी को जान से मारने की मिली धमकी। बताया जा रहा है जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो दाऊद के ग्रुप का है। हैरान मत होइए, बल्कि सोचिए कि जहां देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी आ रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी आ रही है, तो सोचिए ये लड़ाई तो आप ही के लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ, हिंदुत्व के लिए। अगर ये खतरे में है तो आप भी खतरे के ही संकट में है। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। समय रहते अपने मतदान का सही उपयोग करिए। मैंने पहले भी बताया था, वर्ल्ड कप देश हारा तो धोनी को याद कर रहा है। वक्त रहते आप वक्त का सही उपयोग करिए, क्योंकि जब मोदी जी याद आएंगे तो वो दृश्य बहुत ही हिंदुओं भयानक होगा। मैं आप सभी लोगों से एक चीज कह रहा हूँ, जब योगी जी और मोदी जी के साथ ऐसा हो रहा है तो सपोज करो कि हम लोगों के साथ क्या होता होगा। और हम मेरे साथ तो डेली एक नई धमकी आती है, डेली एक नई चीज़ आती है, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक मैसेंजर से लेके सब जगह से आती है। पर शायद मुझे अपनी राधा रानी पे पूरा भरोसा है। पर हाँ, एक चीज़ का बहुत वो हुआ कि हमारी योगी जी, माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, इन लोगों के लिए धमकी आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। क्योंकि मैं एक चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि जब ये लोग आए तो शायद हिंदू जगह और हमारे रामलला का मंदिर बना, जो काफ़ी टाइम से रामलला का मंदिर को टाला जा रहा था कि हम लोग छोटे छोटे थे, हमें याद है जब हम बहुत छोटे छोटे रहते थे तो न्यूज़ आती थी कि राम मंदिर बनने वाला है, पूरा सब कुछ बंद हो जाता था, हड़ताल हो जाया करता था, पर उसकी डेट को टाला जाता था। मतलब मैं 10 साल से टालते हुए मैं देख रहा हूँ। तो इन दोनों ने मिलके राम मंदिर को भाई बनाया तो है ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम सब हिंदुओं के लिए आज जो हिंदू जगह है तो योगी और मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, और इन्हें धमकी आ रही है तो ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। और हम सभी लोगों को मिलके, हम अपने योगी जी और मोदी जी को दिल से सपोर्ट करता हूँ। मैं तो खास करके बहुत ज़्यादा करता हूँ, योगी जी को तो मैं बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो एक संत समाज से हैं और हमारे लिए अपनी पूरी जीवन उन्होंने लगा दिया। और जिस तरह के यूपी को संभाल रखा है, और ऐसा लगता है कि वृंदावन हम गए, यूपी में एंटर करने के बाद ही, वृंदावन क्यों, यूपी में एंटर करने के बाद ही हम लगता है कि सेफ जोन में आ गए हैं। तो ये मैंने जब वीडियो देखा तो मेरा दिल बिल्कुल बहुत ज़्यादा हिल गया अंदर से, कि देखिए जो हिंदुत्व के लिए लड़ता है, जो हिंदू के लिए बोलता है, उसकी आवाज़ अक्सर बंद करने की कोशिश करी जाती है। मेरे साथ तो अक्सर होता है। और जो सेकुलर हिंदू हैं मुझे ये बोलते हैं कि आप तो देश में वो फैला रहे हो, क्या बोलते हैं, नफरत फैला रहे हो, पता नहीं देश में प्यार किसने फैलाया है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम होने लग गया। तो शायद मेरे हिसाब से तो कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम भी तो नहीं होना चाहिए ना, हिंदुओं का भी तो कुछ होना चाहिए ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो देश बटा है वो हमारा धर्म के आधार पे बटा है, भाईचारे के आधार पे नहीं बटा। आज पाकिस्तान की एक वीडियो देख रहा था जिसमें हिंदू इतने परेशान हैं, इतने रो रहे हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। वो लोग कह रहे कि हम बच के अपने घर से जाते भी हैं हम कहीं, तो हमें लगता है कि हमारा घर लूट जाएगा, हमारी बहन बेटी की इज्जत टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देख के इतना अफसोस होता है जिसका कोई जवाब नहीं। पर राधा रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी, योगी और मोदी जी को मेरी उम्र लग जाए, और जो मेरी एक जीवन किसी काम का नहीं, और उन योगी जी और मोदी जी के जीवन पूरे देशवासियों के लिए काम का है, पूरे हिंदुत्व के लिए है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपनी छोटी छोटी बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखिए, हमारे को कुछ इतना आता नहीं है बनाने, पर जितना हमें लगता है कि जो जानकारी महत्वपूर्ण हो आप लोगों को पहुंचानी पड़े पहुंचाई जाए, वही बताता हूं मैं। जय जय श्री राधे।